विजुलाइज किए बिना योग कैसे लगाएंगे? क्योंकि हमें सिखाया गया ध्यान, ध्यान की विधि से, ध्यान योग की विधि से हमें योग सिखाया गया, कमेंट्री की गई। अब उसमें कहा गया कि विजुलाइज करो कि तुम एक स्टार हो, विजुलाइज उसको किया जाता है जिसको हम नहीं जानते, जिसको हम जानते हैं उसे विजुलाइज करने की जरूरत नहीं। अब क्या होता है कि स्टार कह दिया तो हम एक स्टार बना लेते हैं अपने माइंड में और उसको वहां देखते हैं। अब हम स्टार को देख रहे हैं या आत्मा को देख रहे हैं, ये कौन सा योग है, ये कैसा योग है? मैं इतना छोटा ज्योति बिंदु हूं और उसे मैंने अनुभव कर लिया कि मैं रिकुटी के बीच में पीनियल पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के बीच में स्थित हूं और मेरा रोल ऐसे ऐसे चलता है। इसको समझने के लिए आत्मा से संबंधित मेरे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। और आत्मा जब समझ लेंगे, समझ लिया मैं आत्मा हूं, फिर मैं विजुलाइज करूं स्टार हूं मैं, तो क्या हुआ, ये अपने साथ धोखा? विजुलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आत्मा हूं तो आत्मा हूं, खत्म बात। और मैं आत्मा परमात्म डायरेक्शन पर चल रही हूं, ये योग है। उसके लिए कुछ मैं आत्मा ही शरीर से चला रही हूं, मैं आत्मा ही नाकों से देख रही हूं, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूं, ये गाने की जरूरत ही नहीं है, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये केवल समझाने के लिए बताया जाता है। समझ में आ गया, अब मैं बैठकर करूं कि मैं कानों से सुन रही हूं, मैं आत्मा इस शरीर के एक एक अंग से कार्य करा रही, ये अपने आप को समझाना, मन मना भाव करना है, अपने मन को बैठकर समझाना है। इसलिए आपको कमेंट्री करते कि ऐसे ऐसे बैठकर समझाओ तो धीरे धीरे आप अपने आप को आत्मा समझने लगेंगे। परंतु आत्मा स्टार नहीं है, एकदम बहुत सूक्ष्म, उसको देखने की इच्छा नहीं करनी। ये बातें अपने आप को बैठकर समझानी है, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है और मैं इस इंस्ट्रूमेंट से कार्य करा रही हूं। उसके लिए कोई विजुलाइजेशन की जरूरत नहीं है। ओम शांति। फिर भी अच्छी तरह समझने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें या 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम।